जोहार, नमस्कार, स्वागत है आपका दूरदर्शन के इस खास प्रोग्राम कैंपस में। कैंपस की इस खास कड़ी में आज हम आ पहुंचे हैं झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय। आज का हमारा मेन थीम है फॉरेंसिक साइंस और साइबर क्राइम। तो फॉरेंसिक साइंस, जैसा कि हम मूवीज़ और टीवी में आम तौर पर देखते ही हैं कि फॉरेंसिक साइंस का उपयोग इन्वेस्टिगेशन और सबूतों को इकट्ठा करने के लिए की जाती है। हर हाथ मोबाइल फ़ोन है, तो आजकल हम देखते हैं कि जितनी भी घटनाएँ होती है जो कि इंटरनेट और फ़ोन के माध्यम से होती है, वो सब साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। तो आज के बच्चों से हम जानने की कोशिश करेंगे, यहाँ के युवाओं से जानने की कोशिश करेंगे कि वो हमें साइबर क्राइम और फॉरेंसिक साइंस के बारे में क्या कुछ बता सकते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अलावा हम लोग इनको फिजिकल ट्रेनिंग भी देते हैं, जिसके लिए हम लोगों को आर्मी से, पुलिस से यहाँ पे इंस्ट्रक्टर्स रखे गए हैं जो कि आउटडोर ट्रेनिंग देते हैं। इनको आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए विज़िट कराते हैं, पुलिस स्टेशन से लेकर के और फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी से लेकर के जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, इंक्लूडिंग द टाटा एंड HEC धुरवा मेकॉन, सो मैनी, तो वहाँ पे हम लोग इनको अलग से एक्सपोज़र देते हैं सो दैट दे गेट द अपॉर्चुनिटी टू सर्व झारखंड स्टेट एंड इंडियन नेशन इन द बेफिटिंग मैनर, और यही हमारा मोटो है। तो अब हम आ चुके हैं फॉरेंसिक साइंस की एक क्लासरूम में, जहाँ पे बहुत सारे विद्यार्थी बैठे हुए हैं। तो आप उनसे जानने की कोशिश करेंगे फॉरेंसिक साइंस की बारीकियों के बारे में। हमने फॉरेंसिक साइंस एज अ करियर ऑप्शन इसलिए चुना क्योंकि एक जब मैं करियर का डिसीज़न ले रही थी तब बहुत सारे फील्ड्स को सर्च किया, बट ये एक काफ़ी नया और इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगा, इसलिए हमने इसको चूज़ किया। एंड जब इस सब्जेक्ट के बारे में जब हम बारीकी से जानना चाहे तो इसमें हमने ये जाना क्योंकि ये एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करता, ये सारे साइंसेज को लेकर के, मैथ्स को लेकर के, इवन इसमें हम लोगों को लॉ के बारे में भी नॉलेजेस दिया जाता है, सारे एस्पेक्ट्स को कवर करते हैं, इसलिए हमने इसे एज अ करियर ऑप्शन चूज़ किया। लैब्स होती है फॉरेंसिक साइंस से रिलेटेड, मैं उसमें बायोलॉजी डिवीज़न में जाना चाहूँगी और मैं अपनी मास्टर्स की जो स्पेशलाइजेशन है वो बायोलॉजी में लेना चाहूँगी, और ताकि मैं मतलब जो बायोलॉजी फील्ड है उसमें अच्छे से रिसर्च कर सकूँ और जो भी एविडेंसेस आते हैं बायोलॉजी डिवीज़न से रिलेटेड उसमें मतलब अच्छे से रिसर्च करके जो भी हम वहाँ पे टाइम पीरियड लगता है उसको मिनिमाइज़ कर सकूँ।
फॉरेंसिक साइंस में अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हैं? जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग एक सोसाइटी में रहते हैं जहां हर दिन कुछ ना कुछ क्राइम्स होते रहते हैं, अगर फॉरेंसिक टीम हर FSLs में रहे या हर पुलिस स्टेशन में रहे तो हम लोग एविडेंसेस का एनालिसिस इजीली कर पाएंगे ताकि किसी भी विक्टिम को इजीली जस्टिस मिल सके। नेवी में हूँ और उसके बाद से मैंने ये कोर्सेस चूज़ किया और मैं 10th के बाद जब मैं नेवी से ज्वाइन किया मैंने ग्रेजुएशन तक नहीं किया और आफ्टर दैट अब मैं कोर्स ये किया हूँ और इसके बाद कोर्स से मैं देखता हूँ जैसे डिफेंस में भी और बाकी ऐसे हर क्षेत्र में ये कोर्स को करने के बाद आपके पास बहुत सारे रास्ते हैं। अगर आप ये मन में सोच लेते हैं कि जैसे किसी भी कोर्स को करने से मुझे जॉब मिल जाएगा तो ये आपको कोई भी कोर्स में करने से ये कोई गारंटी नहीं दे सकता है। बट फॉरेंसिक साइंस में ऐसा क्या है कि आप इसको एक लायक बन सकते हैं कि आप किसी भी प्रोसेटिक्स में किसी भी संस्थान में आप इसमें आसानी से काम कर सकते हैं। यहाँ आते हैं तो हमारे पास 4 डेडिकेटेड लेबोरेटरी हैं जिसमें कि एक फॉरेंसिक केमिस्ट्री लैब, फॉरेंसिक बायोलॉजी लैब एंड स्पेशली डेडिकेटेड फॉर DNA, फॉरेंसिक फिजिक्स लैब एंड इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज़ आर देयर। तो यहाँ पे बच्चे काफ़ी उत्साहित रहते हैं और जब उनका फ्री पीरियड रहता है, फ्री पीरियड में भी हम लोग लेबोरेटरीज़ के एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व कराते हैं जिसमें कि उनका मेन जो चीज़ें हैं जैसे जिसमें कि ब्लड एनालिसिस करना, जिसमें कि फिंगरप्रिंट करना, जिसमें कि जनरल क्राइम सीन इन्वेस्टिगेशन करना बाय द प्रेफरेंस ऑफ किड्स, जिसमें हमारे पास क्राइम सीन मैनेजमेंट की सारी चीज़ें हैं। तो बच्चे काफ़ी उत्साहित रहते हैं और इसमें इन्वॉल्व भी होते हैं और जब भी मौका मिलता है उनको वो इस तरह के पार्टिसिपेशन भी करते रहते हैं। हम लोग लैब बेस्ड बहुत सारी प्रोग्राम भी लॉन्च किए हुए हैं जिसमें कि ब्लड पैटर्न एनालिसिस को लेकर के स्टूडेंट को मोटिवेट किया जाता है एंड वी हैव अ डेडिकेटेड रिसर्च लेबोरेटरी ऑल्सो जहाँ पे कि यहाँ पे UG से ही रिसर्च को लेकर के बढ़ावा दिया जाता है और बच्चों में UG PG लेवल पर एक रिसर्च इथिक्स एंड एक रिसर्च का जो माइंड होता है वो डेवलप करवा दिया जाता है, जिसमें कि यहाँ के लेबोरेटरीज़ का काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। किसी भी केस में अगर कोई ऑफिसर हैं वो अगर घूस मांगते हैं उसके लिए हमारे पास एक टेक्निक है जिसको कि हम लोग फिनोफ्थलिन टेस्ट कहते हैं। तो उसमें बहुत सिंपल है, जो करेंसी है या गिफ्ट है उसमें हम लोग उस पाउडर को लगा देते हैं। उसके बाद फिर वो क्या करते हैं कि उनको हैंड वॉशिंग कराई जाती है। फिर हैंड वॉशिंग में जो केमिकल यूज़ किया जाता है वो कोई बेस हो सकता है, सोडियम कार्बोनेट हो गया। फिर हम लोग उनको देख लेते हैं कि उनके हाथों में जो पाउडर लगे थे उससे कलर जो है हम लोगों को मिल जाता है। प्रिंट उंगलियों में जो निशान रह जाते हैं वो क्राइम सीन में एक एविडेंस काम आता है। तो वो एविडेंस हम कई बार क्राइम सीन से वो हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते, तो उसके लिए हम बहुत सारे टेक्निक्स जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे पहला कि जो पाउडर मेथड हुआ, जो फिंगरप्रिंट हमारा छूट गया था क्राइम सीन में, उसमें हम कोई भी पाउडर जो कि सरफेस के साथ कॉन्ट्रास्ट आए तो वैसा पाउडर हम यूज़ करेंगे। तो उस पाउडर से हम लोग का जो फिंगरप्रिंट है, हर एक इंसान का फिंगरप्रिंट अलग होता है, तो उससे हम उस क्रिमिनल को क्राइम के साथ लिंक कर सकते हैं। बहुत सारे नॉर्मल केसेस भी होते हैं रोड पे जो इजीली हॉस्पिटल में अगर हम उनको टाइम एट अ टाइम पहुंचा दें तो उनकी जान बच सकती है, पर बहुत सारे ऐसे सीरियस केसेस भी होते हैं जिसमें जानबूझ के वो मर्डर होता है लेकिन उसे हिट एंड रन में उसको चेंज करने की कोशिश की जाती है। FSL को बुलाना चाहिए वहाँ पे और FSL वहाँ पे जांच करेगी कि जो हमारे जो एक्चुअल में जो दो व्हीकल्स हैं जिससे वहाँ पे कोलैप्स हुआ है, तो जो फर्स्ट व्हीकल है और सेकंड व्हीकल है वो दोनों में एक्चुअल में कोलैप्स हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर कोलैप्स हुआ है तो उसमें रियल कल्प्रिट कौन है और विक्टिम कौन है, इसका हमें आइडेंटिफिकेशन पता चलेगा। कई ऐसे केसेस देखने को मिलते हैं, क्रिमिनल केसेस, जिसमें जो कल्प्रिट्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा साइकोपैथ्स होते हैं, उनका रियलिटी से कोई कुछ लेना देना नहीं होता और काफ़ी ज़्यादा इमेजिनेटिव टाइप के होते हैं जो सोसाइटी में क्राइम को काफ़ी तरीके से अलग अलग तरीके से करते हैं। तो फॉरेंसिक्स फील्ड में हमें ये सिखाया जाता है या फॉरेंसिक साइकोलॉजी में हमें ये पढ़ाया जाता है कि क्रिमिनल के माइंडसेट से हम डील कैसे करते हैं। फॉरेंसिक साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें बस पढ़ाई नहीं होती है, साथ साथ में आउटडोर ट्रेनिंग भी की जाती है। और एक ऐसा सब्जेक्ट है इन्वायरमेंटल साइंस जिसमें हम लोग को
इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ाया जाता है। इन्वायरमेंटल साइंस को पढ़ाई करते करते हम लोग उसमें आगे जाके डिजास्टर मैनेजमेंट में भी जा सकते हैं। रीसेंट केस है, मेरे कलीग ने एक डॉक्टर के अपॉइंटमेंट को बुक किया था, पर उन्होंने अब फ्रॉड में फंस गए दूसरे लिंक को क्लिक करके, और उनके बैंक से काफ़ी अमाउंट का डिपॉजिट हो गया था। अभी लिटरेसी बहुत काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, पर डिजिटल लिटरेसी की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा, तो गवर्नमेंट को डिजिटल लिटरेसी के बारे में भी कुछ करना चाहिए। हमारे देश में फेक करेंसी से रिलेटेड काफ़ी केस बढ़ चुके हैं, और इस चीज़ से डील करने के लिए गवर्नमेंट क्या करती है कि कुछ सिक्योरिटी फीचर्स उस नोट में डाल देती है उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान, और उस सिक्योरिटी फीचर को हम यूवी चेंबर के हेल्प से देख सकते हैं और बता सकते हैं कि ये जो नोट है वो जेन्युइन है या फिर फेक है। इज़ एन इम्पॉर्टेंट ट्रेस एविडेंस, ये हम लोग को बताता है कि किससे कौन से स्पेसिस से ये गिरा है, और ये हम लोग को हेल्प करता है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशंस में, लाइक इन केस ऑफ रेप, जिसे हम लोग पता कर सकते हैं डीएनए ऑफ, अगर ये रूटेड होगा हेयर, और इससे हम लोग पता कर सकते हैं डीएनए ऑफ द क्रिमिनल और अ सस्पेक्ट। ब्लड एक बहुत ही कॉमन बायोलॉजिकल फॉरेंसिक एविडेंस है जो हमें आमतौर पर क्राइम सीन्स में मिलता है, चाहे वो रेप केसेस हो या मर्डर केसेस हो। ब्लड बहुत सारे वेज़ में हमें हेल्प कर सकता है जस्टिस दिलाने में, जैसे ब्लड ग्रुप को अगर हम कलेक्ट करेंगे तो उससे हम ब्लड को कलेक्ट करेंगे तो उससे हम ब्लड ग्रुप डिटरमाइन कर सकते हैं, उससे हम फर्दर डीएनए भी निकाल सकते हैं, जिससे इंडिविजुअलाइजेशन में हेल्प किया जाता है। अभी जो हमने प्रैक्टिकल किया ये ब्लड ग्रुप डिटरमाइन करने का प्रैक्टिकल है, जिसमें हमने सेम पर्सन का 3 ड्रॉप्स ऑफ ब्लड लिया और उसमें 3 केमिकल्स डाला, और जिसमें भी इसमें अग्लुटिनेशन प्रेजेंट होगा उससे हम उस पर्सन का ब्लड ग्रुप इजीली डिटरमाइन कर पाएंगे। आज के टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा डॉरी केसेस देखने को मिलता है, उनके घर पे उन पर बहुत ज़्यादा हरासमेंट किया जाता है, चाहे वो फिज़िकल हरासमेंट हो, लड़कियों के ऊपर मेंटल प्रेशर दिया जाता है जिसकी वजह से शायद वो सुसाइड कमिट कर सकती है या फिर उन्हें जला दिया जाता है। हमारे पास बहुत सारे ऐसे केसेस बर्निंग केसेस आए हैं, और जो लोग ऐसा करके सोचते हैं कि वो नहीं पकड़े जाएंगे तो वो गलत सोच रहे हैं। हमारे टाइम पे फॉरेंसिक साइंस है जो डील करती है, हम वहाँ से एक सैंपल क्रिएट करके ये चीज़ बता सकते हैं कि किसने किया था और ये मर्डर था या फिर लड़की ने खुद से किया था। क्रिमिनोलॉजी में ऐसा रोल होता है फॉरेंसिक में जिस पे लाइक कोई क्राइम हुआ सोसाइटी पे, उस पे जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं उनको पता नहीं होता कि क्राइम करने के बाद उन पे कौन सा एक्ट लगाया गया, तो फिर उनको गलत सज़ा मिल जाता है समटाइम्स, और इस वजह से हमें सोसाइटी को अवेयरनेस करना है इस चीज़ से, उन्हें बताना है कि लॉ है इंडिया में जिससे हम लोग अपने सज़ा कब कर सकते हैं, या फिर हमने कोई क्राइम नहीं किया उस पनिशमेंट हमें नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं, कई फॉरेंसिक साइंस लैबोरेटरीज खोले हैं, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में और स्टेट लेवल में और सेंट्रल लेवल में, जो कि रिक्रूटमेंट में हेल्प कर सकता है। मगर कई ऐसे स्टेट्स है जहाँ पे रिक्रूटमेंट के लिए बैचलर्स को नहीं खोजा जाता है, मतलब उन लोगों को खोजा जाता है जो मास्टर्स किए रहते हैं फॉरेंसिक साइंस में। जो लोग बैचलर्स कर रहे हैं फॉरेंसिक साइंस में उन्हें भी कंसिडर करें, क्योंकि हम फॉरेंसिक साइंस की तैयारी बहुत पहले से करते हैं और हमें नॉलेज रहता है, तो हमें भी रिक्रूट करना चाहिए जिससे कि हम पुलिस को और क्राइम को सॉल्व करने में हेल्प कर सकें। फॉरेंसिक साइंस के जो स्टूडेंट हैं दैट हैव एन इनहेंस एबिलिटी टू एनालाइज अ प्रॉब्लम, ठीक है, नॉट ओनली रिलेटेड टू अ क्राइम बट टू डेली लाइफ एज वेल, आपके रोज़ाना के जीवन में जो भी चीज़ें होती हैं आपको उनको देखने का नज़रिया बदल जाता है, आप उन्हें बेटर एनालाइज कर सकते हैं, आपके ऑब्जर्वेशन स्किल्स जो हैं वो इम्प्रूव होती हैं, हाउ टू एनालाइज अ प्रॉब्लम, ये आपका स्किल बहुत इम्प्रूव होगा। दैट इज़ समथिंग दैट आई फील डिफरेंट कि फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द स्टूडेंट, ये एक मेरिट है जो फॉरेंसिक साइंस स्टूडेंट्स के पास में है।
अभी आ पहुँचे हैं विश्वविद्यालय के कैफेटेरिया एरिया में और हमें यहाँ पे केरला से एक ग्रुप मिला है जो कि जिसे हम जान सकते हैं कि केरला से भी लोग आते हैं रांची के विश्वविद्यालय में पढ़ने के लिए। तो हम आइए उनसे चलकर देखते हैं कि वो हमारे लिए कौन सा एक गीत गाते हैं। Song which is depicting about a remote village which is everybody like everywhere seen in Kerala. In a typical remote village we have a banyan tree which is just near to a temple and it is covered with the stone bridge which people used to sit and share the rural talks about peoples. We are just producing, we are developing a force which are very much capable to deals with these cyber crimes. Under the umbrella of UG programs known as BSc Honours in Computer Application and Cyber Security. This is a 3-year program divided into 6 semesters and each semester is encapsulated with lots of theoretical as well as practical subjects including cryptography, network security, information security, data sciences and other programming languages and many more. Cyber crimes, कोई भी अगर electronic या digitally चोरी किया हुआ कोई भी data अगर आप अपने पास रखते हैं, इसमें बहुत से types होते हैं, hacking होते हैं, phishing होते हैं, तो वो basically ये जो है online marketing के ये trends में ये एक चोरी किया हुआ data का जो संग्रह कोई करता है कोई unofficial way में, इसको cyber crime बोलते हैं। इसके लिए इंडियन गवर्नमेंट ने IT Act 2000 लाया। नेटवर्किंग साइट्स यूज़ करते हैं, उसमें आप अपनी पासवर्ड या फिर ID वो सेव ना करें, तो आप जब कुछ ऑर्डर करते हैं और सपोज़ कोई हैकर हुआ और वो DDoS पे हिट किया, तो आपका जो डेबिट कार्ड की इंफॉर्मेशन है वो उस मेथड के थ्रू उस हैकर के पास चल जाएगा और उस और वो हैकर आपके डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड को एक्सेस करके कुछ भी अपना फायदे अनुसार यूज़ कर सकते हैं, आपको एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। सोशल इंजीनियरिंग एक ऐसा अटैकिंग टेक्निक होता है जिसमें आप उनको अपना भरोसा दिलाते हैं, उनसे अपने तरीके में स्टैंडर्ड वे में बात करते हैं जिनसे उनको लगता है कि आप हाँ ओरिजिनली जेन्युइन पर्सन हैं। वो आपको इस तरीके से भरोसा दिलाकर आपसे फाइनेंशियल डेटा OTP वगैरह आपसे ले लेते हैं और उसके कारण से आपका फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है और आपका डेटा भी चोरी हो सकता है। वॉइस फिशिंग के जरिए वो लोग
आपको पहले आपका डेटा वगैरह किसी कंपनी से या फिर किसी को पैसा वैसा दे के आपका डेटा निकालते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो लोग सोचते हैं कि ऐसा आपको क्या ऑफर दिया जाए या फिर क्या आपको ऐसा किया जाए कि जिससे आप अट्रैक्ट होंगे उसकी तरफ। के पास ऐसा कोई लिंक आता है, कोई मैसेज आता है, जैसा आजकल होता है कि आधार कार्ड का OTP शेयर करिए, आपके पास प्रॉपर ऐसा लिंक भेजा जाता है कि इस लिंक पे क्लिक करिए आपको ये ऑफ़र मिला है, वो ऑफ़र मिला है, तो आप इस पे क्लिक ना करें, क्योंकि आपको लगता है कि आप इस पे क्लिक कर रहे हैं तो एक प्रॉपर साइट खुल रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपका जो भी कॉन्फिडेंशियल डेटा है, आपका जो भी आइडेंटिटी वगैरह है, वो एक थर्ड पार्टी के पास सेव हो रहा है, और ऐसा होता है वो डेटा उनके पास जाने के बाद वो उस डेटा को बेचते हैं मार्केट में। जहाँ भी हम लोग कुछ भी डाउनलोड करते हैं बिना पैसों के, जैसे कि गाना या फिर कोई भी बुक्स या फिर कोई वीडियो, हमारा डेटा पायरेसी सारा सारा जगह पे है। डेटा पायरेसी से बचने का सिर्फ दो ही उपाय हैं। पहला, अपना सिक्योरिटी आपको खुद मेंटेन करके रखना पड़ेगा, आपको अपना इन्फॉर्मेशन कहीं भी शेयर नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, अगर आपको डेटा पायरेसी से बचना है तो आप अपना जितना भी सामान हो उस पर कॉपीराइट या फिर इन्फ्रिंजमेंट का जितना भी फाइलिंग हो सके वो सब आपको लगाना पड़ेगा। पार्टी एक्सेस जो अभी की ट्रेंडिंग है, इसे हम लोग मेटास्प्लॉइट बोलते हैं। तो मेटास्प्लॉइट में ये होता है कि गलती या जाने या अनजाने में कोई एप्लीकेशन आप आती है और आप इंस्टॉल कर लेते हो, वो इंस्टॉल तो होती है पर आप कभी नोटिस करना कि वो दिखेगी नहीं आपके फ़ोन में, वो हाइड हो जाएगी। फ़ोन का जब भी आप इंटरनेट ऑन रखोगे, वो फ़ोन से आपकी डेटा जो है वो धीरे धीरे करके, जो हैकर है जिसका प्राइम ऑब्जेक्टिव रहता है आपका इन्फॉर्मेशन निकालना, कॉन्टैक्ट डिटेल्स, आप कहाँ रहते हो, आपकी फ़ोटो, उस चीज़ को वो अपने पास रिट्रीव कर लेते हैं और फिर उसको गलत यूज़ करके आपको ब्लैकमेल कर सकते हैं। ये अपनी तरह का तीसरा विश्वविद्यालय है, इसलिए यहाँ पे सीट जो है काफ़ी लिमिटेड है और एडमिशन जो है वो एंट्रेंस टेस्ट CUET के माध्यम से और चांसलर पोर्टल के माध्यम से यहाँ पे होता है। यहाँ पे जो पढ़ाइयाँ होती हैं वो बाकी कन्वेंशनल यूनिवर्सिटी से अलग है। यहाँ पे फॉरेंसिक साइंस, साइबर सिक्योरिटी, आपदा प्रबंधन, डिज़ास्टर मैनेजमेंट, पुलिस साइंस, सिक्योरिटी मैनेजमेंट वगैरह की पढ़ाई होती है। झारखंड रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय उन विश्वविद्यालयों में से एक है जो आपदा प्रबंधन से रिलेटेड पढ़ाई कराती है। झारखंड सरकार की तरफ से 5 से 15 नंबर का मान्यता, जो डिफेंस फोर्सेस होते हैं, जो पुलिस बल होती है, उसमें जॉब के लिए इनको प्रदान किया जाता है। झारखंड के बच्चों को ये हमारा उद्देश्य है कि नेशनल लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे हम उनको अच्छा बनाएँ, कॉम्पिटिटिव बनाएँ, झारखंड का नाम ऊंचा करें, समाज का नाम ऊंचा करें, ये हमारा उद्देश्य है। इस उद्देश्य में उनको हम पढ़ाई के साथ साथ यानी एकेडमिक एक्सेलेंस के अलावा उनको हम पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे भी जोर दे रहे हैं। द सेम टाइम जो हम लोगों का है कि रिसर्च के साथ साथ अपने बच्चों को तैयार करना है ताकि किसी भी नेशनल इमरजेंसी में, स्टेट इमरजेंसी में, समाज के लिए जो भी आपदा या कॉल फॉर द नेशन आए उसमें हमारे बच्चे हर तरह से फिट हों, वो अपनी अपना योगदान दे सके हर माने में। तो दोस्तों, अब हम इस कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव पर आ पहुँचे हैं, और जैसे हमने शुरुआत की थी इस विषय को लेकर, तब हमें बहुत सारी चीज़ें नहीं पता थी, लेकिन अब जब हमने यहाँ के विद्यार्थियों और यहाँ के फैकल्टी से बात की, तब हमें पता चला कि ये एक टॉपिक है जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है और इसे ज़्यादातर नज़रअंदाज किया जाता है। लेकिन जब हमें अब पता चल गई है कि ये एक टॉपिक है जिस पर हमें बहुत फोकस रहना चाहिए, और ख़ास तौर पर साइबर सिक्योरिटी बहुत इम्पॉर्टेंट है आज के ज़माने में, और हम इन सब टिप्स को ज़रूर अपना सकते हैं जो हमें अंदर दी गई। और मैं आशा करती हूँ कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा, और हम अगले बार फिर आपसे मुलाकात होगी एक ऐसे ही नए कैंपस में, नए विषय के साथ। नमस्कार और जोहार।